हेलो नमस्ते। तो मेरा नाम सचिन है और मैं बाई प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट लगभग सभी लोग पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है ना, बेसिक थर्मोडायनामिक्स। और मुझे सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट लगा है, जिसे पढ़ते हुए मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत काम का सब्जेक्ट भी है। मतलब ये मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर आपकी थर्मोडायनामिक्स अच्छी है, आप अच्छे से कंसेप्चुअली उसमें क्लियर हो, तो बहुत सारे सब्जेक्ट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में, ऑलमोस्ट सब में, और एटलीस्ट थर्मल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स में आपको बड़ी हेल्प मिलती है। तो थर्मोडायनेमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। जनरली बेसिक और एडवांस थर्मोडायनेमिक्स होते हैं। बेसिक में हम थ्योरी देखते हैं, थ्योरी सीखते हैं, बहुत मज़ेदार थ्योरी है, उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन भी देखते हैं, बट बहुत ही आइडियल कंडीशंस में। एडवांस थर्मोडायनेमिक्स में थोड़े अजम्पशंस कम हो जाते हैं, थोड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशंस ज़्यादा होती हैं, उसमें इसका एप्लीकेशन देखते हैं, है ना। और ये वाहन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। सो ये जो सब्जेक्ट है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट रहा हुआ ही है। अब मैं जैसे बताया कि मुझे इसमें पढ़ने में मज़ा भी बहुत आया, तो मैं इसकी एक सीरीज शुरू करना चाह रहा हूँ कि किसी ना किसी के तो काम आए। हो सकता है कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स के, कुछ केमिकल इंजीनियर्स के, या और भी बहुत जगह थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई जाती है। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर होता है, उसमें लगभग सभी को थोड़ी थोड़ी पढ़नी होती है। तो होप करता हूँ कि हाँ, ये वीडियो जो एक सीरीज में शुरू करने जा रहा हूँ उसकी, वो किसी ना किसी के काम आएगी, हेल्पफुल रहेगी कुछ लोगों के। और इस सीरीज को शुरू करने का पर्पज मेन यही है कि जो टाइम मैंने इसको डिवोट किया है सब्जेक्ट को, जो चीज़ें मैंने इसमें टाइम के साथ साथ सीखी है, समझा, वो मैं शेयर कर सकूँ, ताकि मेरे टाइम पे जो चीज़ अवेलेबल नहीं थी वो किसी और के टाइम पे अवेलेबल हो, किसी को इससे फ़ायदा मिले, है ना। तो ये पहला वीडियो जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप से है कि क्या इस सीरीज में होने वाला है। ये सीरीज में शुरू करूँगा, छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट लेके एक वीडियो बनाता रहूँगा, वीडियोज इकट्ठा करता रहूँगा, उनमें कोई कोई कंसेप्ट इकट्ठे करते रहेंगे। बाकी अगर किसी कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है या उस पर कोई और डिटेल में चाहता है, तो आप शायद कमेंट के जरिए बता सकते हैं, हम उसको ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे और इस सीरीज को एक अच्छा रूप देने की कोशिश करेंगे, ताकि ये यूजफुल हो सके बहुत लोगों के लिए। तो अब मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ पॉइंट पे कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा बेसिक थर्मोडायनामिक्स, पहली बात तो ये थर्मोडायनामिक्स का बच्चा है, क्योंकि इसमें हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट उसके देख रहे हैं, एडवांस में उसका एप्लीकेशन है। और ये आप सभी लोग पढ़ते ही हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स है, दो वर्ड से मिलकर बना होता है, थर्मो प्लस डायनामिक्स। थर्मो, थर्म एक ग्रीक वर्ड है, THERME, जिसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है हीट। और डायनामिक्स, डायनामिक्स का एक मतलब जो आप समझ सकते हैं वो फोर्स, फोर्स या फिर बोले तो मोशन, मोशन, कोई चीज़ मूव कर रही है, फोर्स लग रहा है किसी चीज़ पर। और मैंने पूरी थर्मोडायनामिक्स पढ़ी, और पूरी थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के बाद मेरे को यही मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में जो वर्ड है थर्मोडायनामिक्स, हीट और फोर्स, पूरी थर्मोडायनामिक्स में यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बशर्ते कंडीशन यह है कि आप अच्छे से समझ जाओ कि हीट क्या है, और अच्छे से समझ जाओ कि फोर्स कैसे लगता है, कितने तरीके का लगता है, कहाँ लगता है, ये पहचान जाओ आप, उसके अलावा कुछ नहीं। मोशन ऑफ कोर्स सिस्टम है तो मूव करेंगे, कब फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा, ये समझ जाए तो थर्मोडायनेमिक्स से आसान सब्जेक्ट ही नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये दो वर्ड, अब इस हीट की वजह से मोशन भी हो सकता है, इस हीट की वजह से फोर्स भी लग सकता है, उल्टा भी हो सकता है, इस मोशन की वजह से हीट जनरेट हो सकती है, चलती हुई गाड़ी को आप रोक दो तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी, मोशन रुक जाएगी, है हीट हमारी बाइक में, हम पेट्रोल डाल के चलाते हैं, इंजन कितना गर्म होता है, उसकी वजह से हमें मोशन मिलती है। तो इनका आपस में इंटर कन्वर्जन, हीट प्लस फोर्स या मोशन, और इनका एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन, एनर्जी का ट्रांसफर, यही थर्मोडायनामिक्स में है। इसके अलावा मुझे कुछ लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ है, बस इतनी सी चीज़ है।
कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जिनको को ये मैं भी थोड़ा बताऊंगा कि इसमें हम सीरीज में या पूरी थर्मोडायनेमिक्स में मैंने जो एनालिसिस किया कि यही है। आप एक बार सिस्टम समझ जाओगे क्या है, वो स्पेस जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसको हम जानना चाहते हैं, कुछ स्टडी करना चाहते हैं इसके बारे में, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या कुछ वो फाइंड करना चाहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस करना चाहते हैं, उसको सिस्टम कहते हैं। उसके बाहर ये सब चीज़ें डिटेल में आएंगे स्लोली स्लोली, जस्ट मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ये सिस्टम है, उसके बाहर जो है वो सराउंडिंग है, उससे बाहर ये सब सराउंडिंग है जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, उससे बहुत बहुत दूर इन्वायरमेंट है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहे हैं वो बाउंड्री है। एनर्जी हम 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, जैसे थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसफर और कन्वर्जन। एनर्जी का एक एनर्जी से दूसरे में ट्रांसफर या कन्वर्जन है ना, तो ये सब चीज़ें। एक नया कॉन्सेप्ट आता है एंट्रोपी, इसको जब हम आएंगे टॉपिक पे तो देखेंगे बताऊंगा, लेकिन बस ये बता रहा हूँ कि यही बस थर्मोडायनेमिक्स में है मुझे ऐसा लगता है। तो उनमें से एक चीज़ एंट्रोपी भी है, जब आएंगे तब डिटेल में देखेंगे उसको। जैसे एंट्रोपी है उससे रिलेटेड ये कंसेप्ट है अवेलेबल एनर्जी। जैसे आपके पास रुपये तो 100 हैं बट उसमें से आपने 80 रुपये तो उधार ले रखे हैं किसी से, तो आप खर्च जो फ्री होकर कर सकते हो सिर्फ 20 ही रुपये कर सकते हो, क्योंकि 20 आपके अपने हैं, तो वो दैट इज़ द अवेलेबल पार्ट। ये हम आएंगे मजे से डिस्कस करेंगे। एफिशिएंसी आप सबने सुना ही होगा, कोई चीज़ कितनी एफिशिएंट है ना। एक आदमी 100 रुपये एक दिन की सैलरी लेता है और पूरा दिन कोई काम थोड़ा बहुत काम करता है, एक आदमी 100 रुपये की सैलरी लेता है बट बहुत काम करता है तो दूसरा आदमी ज़्यादा एफिशिएंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। फिर जो थर्मोडायनेमिक्स को हम एनालिसिस करते हैं उसके लिए हमें कुछ फंक्शंस की ज़रूरत होती है, तो वो दो तरीके के होते हैं, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ये क्या होते हैं इनको देखेंगे, प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब इसमें आते हैं। और इनके कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है तो छोटे मोटे एप्लीकेशन आएंगे, थोड़े थोड़े एडवांस थर्मोडायनेमिक्स में ये एप्लीकेशन थोड़े से और डिटेल हो जाते हैं। और चार लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उनको अच्छे से समझा जाए। और कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, और कुछ कॉमन सेंस हमें लगानी है, थोड़ा बहुत हमारा मैथमेटिक्स आना चाहिए। ये सब अगर आपको आता है तो आपके लिए ये सब चीज़ें ही बस थर्मोडायनेमिक्स में है, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में कुछ नहीं है, बस इतना सा है। उसके बाद क्या है मेजर चीज़ में, कॉमन सेंस, ये आप लगाओगे चीज़ें सोचोगे। बुक जो मैं रेफ़र करूँगा, मैं ये वाली बुक रेफ़र कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक है, सेंजल एंड बोल्स के नाम से मार्केट में मिलती है, आप इसको परचेज कर सकते हो, बहुत प्यारी बुक है और बहुत फेमस बुक है। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, सही गलत, आप जो भी देखना चाहिए उसमें से देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, बहुत अच्छी बुक है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ उस बुक को। फोकस मेरा इस सीरीज़ में रहेगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट हैं उनको मैं अच्छे से समझा सकूँ, जैसे मुझे समझने में दिक्कत हुई है किसी को ना हो वो दिक्कत इजीली समझ में आ जाए, मैं जैसे समझा सकता हूँ इजी से इजी वे में, बेटर टू बेटर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट की अच्छी हो वो ट्राई करूँगा। कुछ एक सोल्ड एग्जांपल भी कराएंगे, लेकिन जो ज़्यादा सोल्ड एग्जांपल करने हैं जैसे कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि शायद इस सीरीज में कराऊँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो कुछ सेपरेट ट्यूटोरियल वीडियो रख सकते हैं जिसमें अलग से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर किसी को कोई डाउट है उससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है कॉलेज में, असाइनमेंट में, होमवर्क में, वट एवर आप डिस्कस करना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं, उसको सोल्व करने का ट्राई करेंगे। और कुछ ऐड ऑन, एक्चुअली मैं बुक यही फॉलो करूँगा बट जहाँ कहीं मुझे लगेगा कि कोई चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं इससे रिलेटेड है ना, जैसे मान लो एंट्रोपी पढ़ रहे हैं तो मैं बेसिकली इसको रेफर करूँगा, बट कुछ कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि वो एक दूसरी बुक है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जैसे से पी के नाग से आप देख सकते हो या सोनाटक की एक बुक है, तो वहाँ से बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, वो हालांकि इतने रिलेवेंट नहीं है, बट मैं खुद वहाँ से उठा के आपको वो एड ऑन में देता रहूँगा, ताकि आपको ज़्यादा वह बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको एक जगह मिलता रहेगा। तो ये बेसिक आइडिया है थर्मोडायनेमिक्स का और ये सीरीज की पहली बुक है, बाकी देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी और जो मोटिवेट करते रहेंगे कि मैं सीरीज कंटिन्यूसली बनाता रहूं, आपका रिस्पॉन्स डेफिनेटली वैल्यूएबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्ते।
पे।